जनपद हापुड़ जिले में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने कश्यप स्वाभिमान न्याय यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एमएलसी राजपाल कश्यप ने बताया कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेगी और जिस प्रकार सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता अपनी मनमानी चला रहे हैं उन पर भी लगाम लगाने का निश्चित तौर पर काम करेगी। लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार किसानों की हत्या हुई है इसका खामियाजा भी 2022 में सत्ताधिकारियों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए और हत्यारोपी को भी गिरफ्तार किया जाए और मृतक किसानों के परिवार वालों को 2 करोड़ का मुआवजा भी दिया जाए। 2022 में सत्ता के नशे में चूर सरकार को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। समाजवादी न्याय यात्रा का मकसद है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये न्याय यात्रा निकाली गई।